हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च होने में केवल लगभग 2 महीने बचे हैं। सो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब आपको पुराने फोन्स पे काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। इस बार के लिए आईफोन 15, 14, 13 सीरीज के लिए अब देखिए जो सितंबर वाली सेल होती है, लाइक फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल एंड अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, उसमें तो आपको एकदम ही किलर प्राइसिंग मिलती है, लाइक साल की सबसे कम प्राइसिंग। बट अभी जो जुलाई के महीने में आपको इन प्लेटफॉर्म पे जो सेल देखने को मिलेंगी वो भी काफी मेजर डिस्काउंट के साथ आती है। जैसे हम बात कर रहे हैं अमेज़न की प्राइम डे सेल की, एंड इसी के साथ उसी टाइम पे जो फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इन सेल में से आईफोन खरीदने भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 महीने के बाद जो आईफोन 16 सीरीज के लॉन्च के बाद सेल आएंगी इन दोनों प्लेटफॉर्म पे, उन पे जो प्राइसिंग मिलती है वो एकदम ही अनमैचेबल है। अब देखो ये वाली सेल उन्हीं के लिए जिनको अभी के टाइम पे फोन खरीदना है एंड इतना वेट नहीं कर सकते हैं। तो अमेज़न की प्राइम डे सेल का बैनर आ चुका है, यहाँ पे जो डेट है वो 20 से लेके 21 जुलाई। हाँ, यह प्राइम डे सेल एक ही दिन की सेल होती है प्राइम मेंबर्स के लिए। कार्ड ऑफर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ICICI बैंक एंड SBI के कार्ड्स पे 10% सेविंग्स मिलेंगी, जो कि यूजुअली वही 1500 से लेके 2000 रुपीस के आसपास ही होता है। अब यहाँ पे उन्होंने हाइलाइट्स में बिगेस्ट डील ऑफ द सेल, उस पे एप्पल का लोगो है, मींस इस सेल में जो मोबाइल फोन्स पे बेस्ट डील होगी वो आईफोन पे ही होगी। इसी के साथ और बाकी सारे ब्रांड्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस सेल में कौन सा आईफोन हो सकता है, मुझे यहाँ पे ज्यादातर चांसेस लग रहे हैं आईफोन 13 के या फिर आईफोन 15 के। अब अगर आईफोन 13 हुआ तो वो आपको 47-48,000 रुपीस के आसपास मिल जाएगा। वहीं अगर हुआ आईफोन 15 तो उसकी प्राइसिंग हो सकती है 63 से लेके 65,000 रुपीस, लाइक ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद। अब देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो अमेज़न है वो प्राइस ड्रॉप को लेके कोई ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहता है, जितनी अच्छी प्राइसिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलती है। तो फ्लिपकार्ट की बात करें उस पर आपको किन आईफोन्स पे अच्छी प्राइसिंग मिल सकती है, तो पहला मॉडल है आईफोन 14 प्लस, उस पर आपको करेंटली फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छी प्राइसिंग मिल रही है, लाइक 53 से लेके 55,000 रुपीस के आसपास, इनफैक्ट आईफोन 14 की प्राइसिंग में या फिर उससे भी कम। तो एक सच में काफी अच्छी डील बन जाती है, उसमें आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है, काफी क्रेजी बैटरी लाइफ मिलती है। इसी के साथ आईफोन 15 आपको फ्लिपकार्ट पे 65,000 रुपीस के आसपास मिलता है, आफ्टर कार्ड डिस्काउंट अराउंड 62,000 रुपीस। रिसेंटली मैंने भी इतने में ही खरीदा है, तो आई थिंक इसकी प्राइसिंग फ्लिपकार्ट पे ऑलमोस्ट इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छी प्राइसिंग है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न किसी पे भी आईफोन 15 अगर 60,000 रुपीस के आसपास आता है तो फिर एक काफी क्रेजी डील होगी, क्योंकि यूजुअली आपको जितनी प्राइसिंग मिलती है अगर उतनी प्राइसिंग मिलेगी तो फिर सेल का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, रादर फिर उस केस में अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब जो आईफोन 15 प्लस है उसकी प्राइसिंग, जितनी प्राइसिंग आईफोन 15 की आएगी उससे 8 से लेके 10,000 रुपए ज्यादा ही रहती है। अब देखो जो आईफोन 14 है उसका कोई ज्यादा हिसाब किताब बैठ नहीं पा रहा है, एस फ्लिपकार्ट पे आईफोन 14 प्लस आईफोन 14 की सेल खा गया है लगभग उतनी प्राइसिंग में आके, एंड अमेज़न पे इसकी प्राइसिंग काफी हाई चल रही है। सो लेट्स सी आईफोन 14 पे कैसे ऑफर्स आते हैं। अब धीरे धीरे करके दोनों प्लेटफॉर्म्स डील्स वगैरह को रिवील करते रहेंगे, तो जैसे कोई नया अपडेट आता है मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग कौन सा आईफोन परचेज करने का प्लान कर रहे हो, एंड क्या लगता है अभी खरीदना ठीक रहेगा या फिर 2 महीना और वेट करके एकदम क्रेजी डील्स को ग्रैब करना। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।